दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की बड़ी खबर, आज हम आपको बताएंगे अगर आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना में जीरो खाता है तो आपको मिलेंगे 36,000 रुपए हर साल। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 15,000 रुपए कमाते हैं तो सरकार आपको देगी 36,000 रुपए। इस स्कीम के बारे में जाने सब कुछ। जी हाँ दोस्तों, 15,000 रुपए कमाने वालों को सरकार दे रही है 36,000 रुपए हर साल। इसके लिए आपका जनधन में जीरो खाता होना जरूरी है। तो दोस्तों कैसे मिलेंगे और कौन से जनधन खाते धारकों को मिलेंगे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें एंड तक, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके पास आए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि आप देख सकें हमारी नई नई वीडियो सबसे पहले। और दोस्तों नीचे आकर आपको कमेंट में लिख देना है आप हर साल कितने रुपए कमाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। 15,000 रुपए कमाने वालों को सरकार हर साल देगी 36,000 रुपए। जानिए स्कीम के बारे में सब कुछ। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी कमाई 15,000 रुपए से कम है और आपने अब तक रिटायरमेंट बाद के लिए कोई प्लानिंग नहीं की है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। मोदी सरकार की ये पेंशन स्कीम आपकी मदद कर सकती है। इसमें 60 साल के बाद आपको हर महीने 3,000 रुपए या सालाना 36,000 रुपए पेंशन मिलेगी। इस स्कीम से 18 से 40 साल की उम्र के लोग जुड़ सकते हैं। इस स्कीम का नाम है पीएम श्रम योगी मानधन योजना। इस योजना के अंतर्गत सभी को 3,000 रुपए मिलेंगे हर महीने। जी हाँ दोस्तों, 55 रुपए योगदान से पाएं 3,000 रुपए पेंशन। जी हाँ दोस्तों, इस योजना में अलग अलग उम्र के हिसाब से 55 रुपए से 200 रुपए मंथली योगदान का प्रावधान है। अगर आप इस योजना से 18 साल की उम्र में जुड़ते हैं तो आपको हर महीने 55 रुपए योगदान देना होगा। वहीं 30 साल वालों को यानी 100 रुपए और 40 साल वालों को 200 रुपए योगदान देना होगा। अगर 18 वर्ष की उम्र में है तो सालाना योगदान 660 रुपए होगा। ऐसा यानी 42 साल करने पर कुल निवेश 27,720 रुपए होगा, जिसके बाद आपको हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन आजीवन मिलती रहेगी, जिसका योगदान यानी खाता धारक को होगा। सरकार की अपनी ओर से इतना ही योगदान देगी। जी हाँ दोस्तों, सरकार भी अपनी ओर से उतना ही योगदान देगी। कौन खोल सकता है खाता? पीएम SYM योजना में असंगठित क्षेत्र के लोग खाता खोल सकते हैं। ऐसे लोग जिनकी आमदनी 15,000 रुपए से कम है, उम्र सीमा 18 से 40,000 है। अगर आपका EPIC खाता खोलने से ही तो फिर आपका अकाउंट नहीं खुल पाएगा, यानी ये खाता है तो आपका अकाउंट नहीं खुल पाएगा। इनकम टैक्सेबल भी नहीं देनी होगी। कैसे कराएं रजिस्ट्रेशन? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए आपको CSC सेंटर या सेंटर पर जाना होगा। इसके बाद वहाँ आधार कार्ड और बचत खाता या जनधन खाता जो भी उसकी जानकारी IFSC कोड के साथ देनी होगी। प्रूफ के तौर पर पासबुक, चेकबुक या बैंक स्टेटमेंट दिया जा सकता है। खाता खोलते समय ही अपना नॉमिनी भी दर्ज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक बार आपकी डिटेल कंप्यूटर में दर्ज होने के बाद मंथली कंट्रीब्यूशन की जानकारी खुद मिलती रहेगी। इसके बाद आपको अपना शुरुआती योगदान केस के रूप में देना होगा। इसके बाद आपका खाता खुल जाएगा और श्रम योगी कार्ड मिल जाएगा। आप इस योजना की जानकारी इस नंबर पर यानी टोल फ्री नंबर पर ले सकते हैं 1800-267-6888। इस नंबर पर आप इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप 15,000 रुपए महीना कमाते हैं और आपका जनधन योजना में जीरो खाता है तो 60 साल के बाद आपको मिलेंगे 3,000 रुपए महीना और 36,000 रुपए साल। तो दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आपने अपना कीमती समय दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।